स्थानीय शासन का वास्तविक बोला जाएगा। तो लॉर्ड मायो ने स्थानीय शासन की शुरुआत की थी और इसको भी एक एक संस्थागत और रियलिटी में एक सिस्टम मिलाने का श्रेय भी लॉर्ड रिपन को जाता है। तो लॉर्ड रिपन इस मायने में भी इंपॉर्टेंट है। अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा एक राष्ट्रीय राजमार्ग संबलपुर, आंसर ऑप्शंस दिख रहे हैं इसमें, थोड़ा सा और ऊंचा कर दे क्वेश्चन को, अभी दिख रहे होंगे। संबलपुर उड़ीसा, रायपुर छत्तीसगढ़, नागपुर महाराष्ट्र, कोलकाता पश्चिम बंगाल, हजीरा गुजरात से लेकर धुले महाराष्ट्र तक जाता है और झारखंड को भी टच करता है। नेशनल हाईवे 4, 5, 6 और 7। कौन सा एक नेशनल हाईवे जो है वो झारखंड को टच करते हुए संबलपुर यानी कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और गुजरात को भी टच करता है, ये कौन सा एक नेशनल हाईवे, मैंने क्वेश्चन कहां कहां से परीक्षा में आ सकते हैं आपको एक आइडिया भी मिल रहा है इससे। तो आप जो क्वेश्चन बनाएंगे सही उत्तर इसमें क्या होगा, नेशनल हाईवे 6, सही उत्तर होगा नेशनल हाईवे 6, ये जरूर से जानेंगे। ये लगभग 1949 किलोमीटर लंबी है ये और इतने राज्यों से होकर के गुजरती है, ये जो है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 4 जो है, 4 पहला ऑप्शन, ये भी लंबी ही है, ये लगभग 1200 किलोमीटर लंबी है और ठाणे मुंबई से लेकर तमिलनाडु तक, ये मुंबई में ठाणे से लेकर तमिलनाडु तक लगभग 1156 किलोमीटर, 1200 इसलिए हमने बोला, नेशनल हाईवे 4 जो है वो और महाराष्ट्र और कर्नाटक को भी टच करता है, तमिलनाडु 3 राज्यों में, 5 जो है वो तमिलनाडु से झारखंड तक आता है ये वाला, तो ये आपके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तमिलनाडु से लेकर झारखंड तक है, ये 1450 किलोमीटर लंबा है, ये बहरागोड़ा को क्रॉस करता है झारखंड में, नेशनल हाईवे 5 बहरागोड़ा को क्रॉस करता है आप जानते होंगे, और 7वां जो है ये 2369 किलोमीटर, नेशनल हाईवे 7, ये वाराणसी से शुरू होता है ये उत्तर प्रदेश में और कन्याकुमारी तक जाता है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से होते हुए। तो आप थोड़ा सा देख लेंगे नेशनल हाईवे, यहां से भी क्वेश्चन आने की संभावना है, एक मॉडल आपको बता दे रहे हैं क्योंकि सारा क्वेश्चन पर तो बहुत ज्यादा व्याख्या करते करते बहुत समय लगेगा, तो आप कोई आइडिया देते जा रहे ताकि आप जो घर में पढ़िए इसी प्रकार से पढ़िए। मध्य प्रदेश का बजगावा कौन सा एक खनिज भंडार के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश का मझगवा इलाका, मझगवा ऑफ एमपी इज फेमस फॉर विच मिनरल, डायमंड, मैग्नीज, गोल्ड, सिल्वर, मध्य प्रदेश का मझगवा क्षेत्र किस मिनरल के लिए जाना जाता है, कोई आइडिया है किसी को,
मझगवा, मझगवा इलाका मध्य प्रदेश का किस मिनरल के लिए जाना जाता है? टी, डी यानी कि सिल्वर के। और कोई आइडिया किसी को मिल रहा है मझगवा का इलाका कौन सा इलाका मझगवा में है? और ये मझगवा जो है ये मध्य प्रदेश के पन्ना डिस्ट्रिक्ट में है, तो अब थोड़ा सा आइडिया आपको आना चाहिए। और पन्ना डिस्ट्रिक्ट फेमस है डायमंड के लिए, सो द राइट आंसर इज डायमंड। ये डायमंड के लिए, और डायमंड जो है वो किम्बरलाइट से निकाला जाता है डायमंड, ये पन्ना डिस्ट्रिक्ट में है। मैग्नीज मध्य प्रदेश में बालाघाट में मिलता है, बालाघाट में। गोल्ड के लिए इंडिया में सबसे फेमस माइंस हट्टी है कर्नाटक में, हट्टी, हट्टी माइंस। और सिल्वर के लिए सबसे फेमस इंडिया में ज्वार माइंस राजस्थान का। तो एक एक माइंस भी अगर आप जानते हैं तो काफी अच्छा होगा। डायमंड ऐसे तो आंध्र प्रदेश का गोलकुंडा डायमंड काफी फेमस है। उसके अलावा जो मैग्नीज का इलाका है वो बालाघाट का एरिया है, गोल्ड हट्टी माइंस ऑरिनाइट से निकाला जाता है गोल्ड, एल्जिनाइट से सिल्वर, जो ज्वार माइंस में पाया जाता है। तो ये इस क्वेश्चन की व्याख्या थी, और क्वेश्चन का व्याख्या तो जरूरी ही रहता है। आप डायरेक्ट कभी नहीं पढ़े, किसी का भी प्रैक्टिस सेट बना रहे हो घर में, सिर्फ आंसर पढ़ेंगे तो वो नुकसानदेह हो जाता है फायदा की जगह। कोई कोई दवाई कभी घाटा करता है ना, उसी प्रकार से आपको घाटा करेगा। अगर आप सिंगल लाइन आंसर रटते हैं तो फिर आपकी तैयारी भगवान भरोसे चल रही है। लोग तो आजकल भारत में बोलते हैं कि भगवान भरोसे ही सब कुछ है, तो तैयारी भी भगवान भरोसे हो जाएगा। ऑलवेज एक्सप्लेन द क्वेश्चन एंड द गिवन ऑप्शंस, आप उसके बारे में जरूर जानिए। कभी भी ऐसा मत पढ़ाई कीजिए कि आप क्वेश्चन देखिए और उसका आंसर बी सी डी करिए। तो कभी भी अगर आप क्वालिफाई कर जाइएगा तो ये जेपीएससी और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के लिए घोर आश्चर्य का विषय होगा कि एक एक लाइन पढ़ करके भी लोग पास कर सकते हैं, असंभव रहता है। हमेशा टाइम लगेगा, थोड़ी आपको मुश्किल होगी, लेकिन पढ़ने का तरीका यही है कि एक क्वेश्चन के साथ उसके जो टेल दिए हुए हैं, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसको जानिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस दिमाग में आएगा, वो मेमोरी में आएगा और आप सॉल्व कर सकते हैं। हमने कई बच्चों को देखा है वो मैगजीन किताब खरीद करके एक एक लाइन वाला रटते रहते हैं, बाद में पछताते हैं। बाद में नहीं पछताना, काम आपको ऐसा करना है कि थोड़ा देर सही, लेकिन आप सही रास्ते पर पहुंचेंगे और क्वालिफाई जरूर से करेंगे। शिवनाथ, हंसदेव, माघ, इब और तेल किसकी सहायक नदी है? दामोदर महानदी, नर्मदा, यमुना। अब किसी क्या ऑप्शन से तो ये भी जानना है कौन नदी कहां से निकलती है, इसकी और क्या कोई सहायक नदी। आपको इसी प्रकार से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि इसके बारे में सिर्फ आंसर मिल गया उसमें टिक किया और रट लिए, नहीं, उससे तो मुश्किल आएगा आपको, आपको और दिक्कत हो जाएगी। तो उस दिक्कत से बचाने के लिए तैयारी का सही डायरेक्शन होना बहुत जरूरी होता है। तो ये सारी नदी जो आप देख रहे हैं, ये नदी किसकी सहायक नदी है? सही उत्तर जल्दी से कोई दे कि सही उत्तर इसका क्या होगा। दामोदर, ज्यादा लोगों ने दामोदर लिखा। शिवनाथ, हंसदेव, माघ, इब और तेल, सही उत्तर होगा महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ के सिहवा रेंज से निकलती है, ये भी जानेंगे, सिहवा माउंटेन श्रेणी से निकलती है।
और इसकी सहायक नदियों में शिवनाथ, हंसदेव, माघ, इब और तेल शामिल है। सिहवा नदी, ये सही उत्तर होगा। और आप लोगों को कोशिश करना है कि हमारा उत्तर आने के पहले आपका उत्तर आए, हमारा उत्तर आने के बाद नहीं। हमारी उत्तर आ जाएगी उसके बाद आपको उत्तर देने से फायदा नहीं है। हमारा उत्तर आने के पहले आपको बताना है, जो हम मौका देते हैं। तो सही उत्तर महानदी होगा इसका। और दामोदर नदी जो है, ये आप जानते हैं कि झारखंड का छोटा नागपुर से निकलती है, पलामू डिस्ट्रिक्ट से चंदवा गांव है जहां से दामोदर निकलती है। और किसी को कुछ करेक्शन करना हो तो बताइएगा, आप लोग ज्यादा झारखंड पढ़ रहे हैं। पलामू डिस्ट्रिक्ट के चंदवा गांव से दामोदर निकलती है और ये नदी हुगली में मिल जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। दामोदर ड्रेन्स इनटू हुगली, ये हुगली में जाकर के दामोदर नदी मिल जाती है। डीवीसी 1948 में पहला हाइडल पावर प्रोजेक्ट दामोदर वैली कॉरपोरेशन बनाया गया था, डीवीसी। ये लगभग 541 किलोमीटर लंबी है, दामोदर नदी 541 किलोमीटर लंबी है दामोदर। और इसमें इसकी अगर सहायक नदी बोलेंगे तो कोनार है, जमुनिया है, बराकर है, दामोदर की सहायक नदी जो आप पढ़े होंगे जरूर से। और जो महानदी है ये 858 किलोमीटर लंबी है, ये छत्तीसगढ़ से निकलती है महानदी। और ये नदी जो है ये फिर चली जाती है उड़ीसा में, जहां पर कई नदी इससे मिलती है। और ये खुद जो हीराकुंड बांध आप सुने होंगे, संबलपुर के नजदीक हीराकुंड बांध जो है वो इसी नदी पर बनाया गया है। हीराकुंड सबसे लंबा बांध के रूप में आप जरूर जानते होंगे, कटक के काफी पहले संबलपुर के पास महानदी पर है। और महानदी की सहायक नदी ये सारी नदी है। महानदी इंडिपेंडेंटली जाकर के बे ऑफ बंगाल में गिरती है और एक डेल्टा भी बनाती है महानदी, तो इंपॉर्टेंट नदी है। नर्मदा नदी आप जानते हैं कि अमरकंटक के पास से निकलती है नर्मदा, ये 1289 किलोमीटर लंबी है, 1289 किलोमीटर इसकी लेंथ है नर्मदा की। ये नदी रिफ्ट वैली से बहती है, ये भी आपको पता है कि विंध्याचल और सतपुरा माउंटेन के बीच अमरकंटक की पहाड़ियों से ये नदी पश्चिम की ओर जाती है, इसलिए ये भ्रश घाटी से बहती है। ये नदी डेल्टा नहीं बनाती है, ये एस्चुरी का निर्माण करती है, ये पतली घाटी से बहती है नर्मदा नदी। जबलपुर इसी के किनारे है, नर्मदा के किनारे है जबलपुर, तो ये अरब सागर में जाकर के मिल जाती है, ये आपको जरूर से पता होगा। और इसमें हिरन, बरना, दुधी, तबा और शेर नदी आकर के मिलती है नर्मदा में। तबा नदी, तबा प्रोजेक्ट चल रहा है मध्य प्रदेश में, दुधी नदी, शेर नदी, वरना नदी, ये सारी नदियां नर्मदा की सहायक नदी है। नर्मदा बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है मध्य भारत में। और यमुना के बारे में बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, चूंकि आप जानते होंगे कि जो यमुना नदी है ये नदी गंगा में आकर के मिल जाती है और ये मिलती है इलाहाबाद के पास में। साथ ही साथ यमुना में चंबल मिल जाती है, ये भी याद रखिएगा, यमुना गंगा में मिलती है और चंबल नदी यमुना में मिलती है, तो ये इंपॉर्टेंट है नदी को लेकर के। और जब भी आप अगली बार इसी टेस्ट को फिर से देखेंगे तो आपको आइडिया होगा। अभी देखिए एक नया प्रकार का क्वेश्चन इस प्रकार से भी आजकल आता है, दक्षिण भारतीय राज्य केरल कितने राज्यों के साथ सीमारेखा बनाता है। मतलब आपको ऐसे क्वेश्चंस को रटना नहीं है, इससे जानकारी ये मिल रही है। आप एक मैप रखिए, रोज देखिए, उसमें केरल है, कल कल को पूछ सकता है तमिलनाडु, कल को पूछ सकता है तेलंगाना, झारखंड, ये वो, तो आप रटिए मैं, आप नक्शा देखते रहिए तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि केरल जो है कितने राज्य के साथ है। तो सिर्फ केरल ही परीक्षा में है, जरूरी नहीं है, दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है। अच्छा, भारत में सबसे ज्यादा राज्य को टच करने वाला राज्य कौन है? भारत में सबसे ज्यादा राज्य को टच करने वाला राज्य कौन है? भारत में क्या होगा सही उत्तर, कोई बताए?
एमपी, कर्नाटक, भारत में सबसे ज्यादा राज्य को टच करने वाला राज्य कौन है? इज दैट उत्तर प्रदेश आई थिंक। हमें तो लगता है कि यूपी है, आप काउंट करिए जल्दी से। यूपी है, आप घर में काउंट कीजिएगा क्लास के बाद। उत्तर प्रदेश वर्तमान में सबसे ज्यादा राज्यों को टच करता है, एटलस लीजिएगा, काउंट कीजिएगा उसमें। तो केरल सिर्फ दो राज्य से सीमा रेखा बना रहा है। केरल जो है ये दो राज्यों के साथ में सीमा रेखा बना रहा है, कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ। संघ शासित प्रदेश अगर देखेंगे तो उसमें माहे का एरिया भी आएगा, पुडुचेरी, लेकिन राज्य अगर बोलेंगे तो दो ही राज्य के साथ सीमा रेखा बनाता है केरल। और भी दक्षिण भारत के कई राज्य हैं, आप अपने से कर लीजिएगा घर में। हमने तरीका बता दिया कि कैसा क्वेश्चन आएगा, कौन किसके साथ में टच कर रहा है। अभी भी आप लोगों का गलत हो रहा है, यूपी और कर्नाटक जो 7 बोर्ड है, उत्तर प्रदेश का बढ़ेगा। आप एक बार फिर से काउंट करें यूपी का पूरी अच्छा से। आप भारत का अच्छा से नक्शा निकालिए, उत्तर भारत का मैप निकालिए किसी नक्शे पर, उसमें काउंट करिए, तब आपको पॉइंट नजर आएगा कि हिमाचल प्रदेश भी टच कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो क्लियरिटी आएगी थोड़ी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टॉप स्लिप अभयारण्य भारत के किस पर्वत श्रेणी पर है? टॉप स्लिप अभयारण्य, टॉप स्लिप, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, लेकिन इससे जानकारी मिलता है कि मतलब एक देखिए, आप अगर नक्शा खोले हैं तो एक बार आपका काम है कि आप सारे अभयारण्य को देख लीजिए, कौन कहां पर है, किस एरिया में, कौन सा कहां पर है, इसको आप जरूर से देख लीजिएगा। ये देखिएगा तभी फायदा करेगा आपको। और बहुत जल्दी से उत्तर उन्होंने दे दिया है, अन्ना मले का सही उत्तर है, टॉप स्लिप अन्ना मले। टॉप स्लिप जो है वो अन्ना मलई के ऊपर है, टॉप स्लिप अभ्यारण्य। तो आप एक बार भारत के नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब चीज को देखिएगा, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं और कल को दिक्कत नहीं हो आपको और आप सारे क्वेश्चंस को बना पाइए। हमारी तो उम्मीद रही होगी कि आप सारे क्वेश्चंस को इस बार बना पाइएगा परीक्षा में, और जरूर से आपका अच्छा स्कोर होना चाहिए। तो ये जो टॉप स्लिप आपने लिखा, ये बेसिकली इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान है टॉप स्लिप, जिसका दूसरा नाम इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य के रूप में भी इसे जाना जाता है। और यह अन्नामलई मलई श्रेणी के ऊपर है, इसलिए इसका नाम टॉप स्लिप है। टॉप स्लिप पूर्वा इसे कहते हैं, टॉप स्लिप पूर्वा। और नीलगिरी धौलाधर सतपुरा भी माउंटेन को तो आप जानते ही होंगे। तो थोड़ा जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, टाइम से निकलते जाता है ना, सभी को फिर व्याख्या करने में तो काफी समय लगेगा। रैकून जैसा दिखाई देने वाला रेड पांडा, जिसे फायर कैट के नाम से भी जानते हैं, वृक्षों पर रहता है, स्तनधारी प्राणी है, भारत में नेचुरली किस क्षेत्र में पाया जाता है? रेड पांडा, आप अगर एनसीईआरटी अच्छा से पढ़िएगा तो हमारे सारे सवाल का जवाब दीजिएगा, सब परीक्षा पास कीजिएगा, एनसीईआरटी पर पकड़ होनी चाहिए, बार बार बोलते हैं। लेकिन आप लोग ज्यादा स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है, मैगजीन पढ़ेंगे, गाइड पढ़ेंगे, बट यू शुड गो थ्रू एनसीईआरटी। रैकून जैसा दिखाई देने वाला रेड पांडा, जिसे फायर कैट के नाम से जानते हैं, वृक्षों पर रहने वाला स्तनधारी प्राणी है, भारत में
नेचुरली वो कहां पाया जाता है? और सही उत्तर होगा उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालय प्रदेश में। इसका सही उत्तर होगा उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालय प्रदेश में रेड पांडा, रेड पांडा रैकून जैसा दिखाई देने वाला प्रमुख प्राणी जो है ये पाया जाता है। इसके अलावा ये नेपाल, भूटान, चीन, लाओस और म्यांमार में भी मिलता है। रेड पांडा चाइना में भी है, म्यांमार में है, लाओस में है, भूटान में है, नेपाल के भी प्रदेशों में है। भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रेड पांडा पाया जाता है। इसको एलुरस फलंगेस के नाम से जानते हैं। ये इसका बॉटेनिकल जूलॉजिकल नेम है एलुरस फलंगेस रेड पांडा का। और ये स्तनधारी है इसलिए इंपॉर्टेंट भी है इतना ज्यादा, और परीक्षा में इसका आता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं तो, लेकिन आप लोग को आइडिया मिल गया, आप घर में आप इसी प्रकार से पढ़िएगा। देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल दोनों में, तीनों डिस्ट्रिक्ट में कौन सा एक नेशनल पार्क है जो तीन अभयारण्य को मिलाकर 1983 में एक कर दिया गया था? देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में कौन सा एक अभयारण्य जो 1983 में तीनों को मिलाकर एक कर दिया गया था? इज दैट डांडेली अभयारण्य, राजा जी, साइलेंट वैली और जिम कॉर्बेट? उत्तर आप लोग दे रहे हैं, साइलेंट वैली आया है उत्तर, कुछ लोगों ने लिखा है जिम कॉर्बेट। तीनों को मिलाकर एक कर दिया गया था। कभी कभी ऐसा होता है कि जो दिखता है वो उत्तर नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर होगा राजा जी, ये सही उत्तर है राजा जी। राजा जी अभ्यारण को एक किया गया था और खुद राजा जी 1948 में बना था, बाद में इसमें मोतीचूर 1964 में और चीला नेशनल पार्क 1977 में जो बना था इसको एक कर दिया गया। और जो सी राजगोपालाचारी जो थे उनके नाम से इसका नाम राजा जी अभ्यारण्य रखा गया, सी राजगोपालाचारी के नाम से इसका नाम आया राजा जी। तो ये इम्पोर्टेंट था। और दांडेली जो है वो कर्नाटक में है, दांडेली, बांधवगढ़ भी एक है समरिया मध्य प्रदेश में। तो चलिए अगली क्वेश्चंस पर चले जाते हैं। तमिलनाडु में स्थित यारकाड हिल स्टेशन, यारकाड हिल स्टेशन किसके किनारे है? यारकाड हिल स्टेशन किस पर्वत श्रेणी पर है? पालनी, जाबदी, पालकोंडा, सेवरोई? तमिलनाडु में स्थित, तो एक तो क्लियर यहां पर दिख रहा है तमिलनाडु में है, तो इसमें से कौन कौन सी पहाड़ी तमिलनाडु में है ये पकड़ना है। उसके बाद ये हिल स्टेशन का नाम सुना है आप लोगों ने, यारकाड, पालकोंडा, उत्तर आप लोगों ने लिखा पालकोंडा। सही उत्तर क्या होगा? पालनी, जाप्ती, पालकोंडा एंड सेवरोई। यारकाड हिल स्टेशन सिचुएटेड ओवर विच माउंटेन रेंज?
सही उत्तर होगा सेबरोई की पहाड़ी। सेबरोई, पालकोंडा बेसिकली तमिलनाडु में नहीं है, पालकोंडा तो आंध्र प्रदेश में चला जाता है तो वो तो होगा ही नहीं, बट पालनी जापती और सेबरोई जो ईस्टर्न घाट माउंटेन है उसका नाम पालनी जापती और सेबरोई है, तो सेबरोई की पहाड़ी। आप ये भी नक्शा पर ही आधारित क्वेश्चन है, जब आप मैप देखेंगे तभी क्लियर हो पाएगा इस प्रकार के क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बैंकॉक किस नदी के किनारे है। ये सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन से बाहर है, आप जिसको बना पाइएगा इजीली। बैंकॉक किस नदी के किनारे, इरावडी, मैकोंग, हनोई, चाओ फ्राया। तो अभी आपका जो भी उत्तर होगा, लेकिन बाकी नदी के किनारे भी कोई शहर है कि नहीं भी जरूर से जान लीजिएगा। सही उत्तर होगा चाओ फ्राया। चाओ फ्राया के पास एक और नदी है जिसको मिनाम बोलते हैं। बेसिकली जो बैंकॉक है वहां पर तीन नदी है, चाओ फ्राया, मिनाम और तीसरा है पासक। ये तीन नदी के संगम पर बैंकॉक है। हनोई जो वियतनाम की राजधानी है, और यहां पर होंगा और सोंगडा नदी है, आप जानते होंगे होंगा एंड सोंगडा नदी के किनारे हनोई है। और मेकोंग जो है ये साउथ ईस्ट एशिया की सबसे लंबी नदी है, इसके किनारे लाओस की राजधानी वियेंटियन और कंबोडिया की राजधानी नॉम पे और साउथ वियतनाम की राजधानी हो चिन मिन सिटी है मेकोंग के किनारे। इरावडी यंगून के किनारे है, इरावडी बर्मा में। तो ये सारी नदियों के लिए इंपोर्टेंट है। कितने डिग्री के अक्षांश को अक्षवत्सांश कहते हैं, ये तो और आसान क्वेश्चन है। कितने डिग्री के अक्षांश को अश्व अक्षांश कहा जाता है, हॉर्स लैटिट्यूड। कितने डिग्री के अक्षांश को कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड, विच डिग्री लैटिट्यूड इज ऑल्सो नॉन एज हॉर्स लैटिट्यूड। तीस से पैंतीस डिग्री, ठीक है, सही उत्तर है। तीस से पैंतीस डिग्री के अक्षांश को हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है। डॉबर स्ट्रेट जो टनल है, सुरंग ब्रिटेन को किस देश से जोड़ती है, डॉबर स्ट्रेट। सही उत्तर होगा फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है, आप जानते हैं, लेकिन एक कौन सा देश है जो पनामा नहर के टक्कर में एक नया नहर बना रहा है, वो तो कौन सा कंट्री है इसमें से, जो पनामा नहर के टक्कर में एक नया नहर की अवधारणा को लेकर आया, निकारागुआ। सही उत्तर होगा निकारागुआ। तो आज इतना ही बताते हैं, बाकी अगली क्लास में बताएंगे। आपको तरीका बता दिया, आप इसी प्रकार से घर में बनाइए, टेस्ट सीरीज देते रहिए, क्या स्कोर